तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आ गए हम लोग एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने वाले हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के ऊपर, जो मेरे ख्याल से एक बेस्ट फ़ोन आ चुका है एक प्राइस पॉइंट पे, जो जिसके फीचर्स आपको किसी से भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हमारी बैटरी से। तो यहाँ पे आपको 5020 मतलब 5020 mAh की बैटरी दे रखी है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि 5000 की देनी चाहिए थी, 20 mAh थोड़ा ज़्यादा बोलने के लिए मेरे ख्याल से दे दिया है एम आई वालों ने। बात करें यहाँ पे चार्जर की, तो यहाँ पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है, जो मेरे ख्याल से ठीक है। टाइप सी केबल यहाँ पे देखने मिल जाएगा, टाइप सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि टाइप सी है, लेकिन यहाँ पे आपको 3.5 mm ज़रूर से देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे वेट की, तो यहाँ पे आपको 194 ग्राम्स का वेट जो है देखने को मिल रहा है, जो मेरे ख्याल से ठीक है। और रेडमी ने भी पहले जब लॉन्च डेट थी तब क्लेम किया था कि 200 ग्राम से इस पर नीचे ही रहेगा फ़ोन, तो मेरे ख्याल से एक इससे नाइस इम्प्रूवमेंट। बात करें थिकनेस की, तो इस बार भी फ़ोन पतला दिया गया है। हाँ, 8.1 mm थिकनेस दी गई है, जो मेरे ख्याल से एक एवरेज टाइप रहेगी, एवरेज से थोड़ी थोड़ी सी 10% कम। बात करें यहाँ पे छोटे प्रोटेक्शंस की, तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर, पीछे आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है। बात करें स्क्रीन के फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 6.67 FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। स्क्रीन में भी एक दूसरा प्रो फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 120 Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो एक अलग से ही प्रो चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो बात करें यहाँ पे और स्क्रीन रिलेटेड चीज़ें, अभी स्पीकर तो हर एम आई फ़ोन में भाई स्टीरियो स्पीकर्स है, इसमें भी द सेम स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। एक एम आई ने एक दूसरा उनके ख्याल से एक अपग्रेड दिया गया है, जो है उन्होंने एक 6GB 64GB वाला वेरिएंट निकाला, जो बेस वेरिएंट है। सब फोन आजकल 4GB 64GB ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपग्रेड मेरे ख्याल से तो दिया गया है एम आई की तरफ से, मतलब आप ज़्यादा एक परफॉर्मेंस ले सकते हैं उनकी तरफ से, एमआई की तरफ से। दूसरा जो वेरिएंट होता है वो होता है 8GB RAM 128GB स्पेस। बात करें यहाँ पे तगड़े प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 732G देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। और वर्जन्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 का वर्जन देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। जी हाँ, बात करें यहाँ पे हमारे गेमिंग की, हाँ प्रोसेसर की बात, गेमिंग ये पहले नाम पे आती है। गेमिंग आप वेरी हाई सेटिंग्स पे भी खेल सकते हो, छोड़े 10% से आपको यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स देखने मिलते हैं, बाकी इतना कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर आपको एक हैवी गेमिंग फ़ोन मिल रहा है इतने प्राइस पॉइंट पे, एक अच्छा प्रोसेसर के साथ। मेन जो हाईलाइट किया गया ये फ़ोन वो है कैमरा। कैमरा इस बार तो भाई तगड़ा ही, मतलब क्या ही कर दिया भाई एम आई वालों ने। यहाँ पर आपको 108 MP का कैमरा दिया गया है भाई, सैमसंग के सेंसर के साथ। यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो 108 MP का भाई प्राइमरी सेंसर, बाद में 5 MP का आपको डेप्थ सेंसर, 4 MP का यहाँ पे आपको सुपर मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का डेप्थ देखने को मिल जाता है भाई। मतलब 108 MP, यार क्या ही फोटो आते होंगे। एक प्राइस पॉइंट पे आपको 108 MP देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको एक दूसरा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। तो सेल्फी कैमरा की यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे आपको जो है सेल्फी 16 MP का छोटा सा एक पंच होल देखने को मिल जाएगा बीचों बीच, जो इस बार रेडमी ने जो है बहुत छोटा कर दिया है। हालांकि अगर आप नोट 10 प्रो का ले लेते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बड़ा देखेगा बिंदी हमारा, लेकिन मैक्स लोगे तो भाई मतलब छोड़े टाइम के लिए आपको दिखेगा ही नहीं, अगर आप रिकॉग्नाइज छोड़े, अगर मतलब छोड़े दी यूज़ के बाद आपको रिकॉग्नाइज नहीं होगा। छोड़े लाइट वाटर प्रूफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, छोड़ा हल्का सा IPX देखने को मिल जाता है। तो कैसे लगे कमेंट्स बताना, बाय।